बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपके दस्तरखान को भरा रखे। बारिश का मौसम हो और पकौड़े ना बने, ऐसा तो फिर मुमकिन ही नहीं है। आज मौसम ठंडा था तो मेरा दिल किया कि पकौड़े बनाऊँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। आपने बहुत से तरीक़ों से पकोड़े बनाए होंगे, प्याज के साथ या आलू वाले पकोड़े, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इस तरह मेरी अम्मी बनाया करती थी। इसमें एक मैं बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, उससे क्या होगा कि पकोड़े आपके जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता बनेंगे। रेसिपी की तरफ जाने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए आइए तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने पालक ले ली थी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, फिर इसको खुले पानी से मैंने धो लिया और इसकी अच्छी सी कटिंग की है। और फिर यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए थे, जिसको इस तरह मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 1 बड़ी प्याज शामिल करेंगे, जिसको मैंने इस तरह लंबी जो स्लाइस में है इस तरह काट लिया है। मसालों में क्या शामिल करेंगे? लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हसबे जायका इसमें नमक जाएगा, और सब्ज़ मिर्चें हैं ये मैंने बारीक काट ली हैं वो ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल करते हैं। साबुत धनिया लिया है 1 टेबलस्पून, इस तरह हाथ पर इसको रख कर स्प्लिट कर लेंगे। इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसमें बेसन जो है वो ऐड करेंगे। बेसन एक दफ़ा में ही सारा नहीं डाल लेना, यहाँ मैं 4 कप ये भर कर बेसन के डाल लूँगी। अगर मुझे लगे कि ये कम है तो फिर मैं और इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये 4 कप ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है इसका? ये है चाटी की लस्सी। इसमें मैं लस्सी डालूंगी, इससे क्या होगा पकोड़े जो हैं वो बहुत ही खस्ता और मज़े के बनेंगे। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही। इस तरह थोड़ी थोड़ी मकदार में मैं लस्सी डालती जाऊँगी और इसको हाथ की मदद से अच्छे से इसका जो पकौड़ों का मिक्सचर है वो तैयार कर लेंगे। बेसन ज़्यादा नहीं डालना, इससे क्या होगा कि पकौड़े जो हैं वो नरम बनेंगे, खाने में मज़े के भी नहीं लगेंगे और ख़स्ता भी नहीं होंगे। ये देखें, इस तरह मिक्सचर जो है पकौड़ों का रेडी कर लिया है मैंने। हाथ की मदद से आप चेक कर सकते हैं, अगर जब ये हाथ पर चिपकने लगे तो समझ लें कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बना लेते हैं पकौड़े। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम और फिर इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। मैं इस तरह हाथ की मदद से पकोड़े बनाऊंगी, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ये मिक्सचर जो है वो ऑयल में डाल सकते हैं। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं चलाना, 1-2 मिनट हम वेट करेंगे, फिर चम्मच की मदद से इसकी जो साइड है वो टर्न कर देंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर ये पकोड़े बनाएंगे, वरना ये ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से जो बेसन है वो कच्चा रहेगा, तो वो खाने में मज़े का नहीं लगेगा। गोल्डन सा कलर आने तक पकोड़ों को फ्राई करेंगे। ये तो ये देखें, कलर बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। इस पॉइंट पर पकोड़ों को मैं निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी के भी पकोड़े बना लूँगी। अब इन पकौड़ों को मैं पेपर टॉवल पर डाल दूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के और क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसको खाएं, शाम की चाय के साथ सर्व करें, गेस्ट आ जाएं तो बना सकते हैं। और अफ्ताह स्पेशल ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।